आप ask one more question. जी हाँ मैम. मतलब इस्लामिज्म में रीबॉर्न होना यानी दूसरा जन्म तो है नहीं, राइट? तो फिर हाँ, कयामत के वक्त अल्लाह सबको फिर से मतलब ये करेंगे, तो वो मुझे कंसेप्ट समझ में नहीं आया. बहन ने पूछा कि इस्लाम में रीबॉर्न रीबर्थ तो नहीं होता, फिर से आप दुनिया में पैदे नहीं होते, लेकिन आखिरत में फिर से उठाया जब, उसको कॉन्सेप्ट नहीं समझे. आप अगर पढ़ेंगे ये जो कॉन्सेप्ट है हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में जो रीबर्थ का ये कॉन्सेप्ट कुछ किताबों में है, लेकिन ऊंची किताब अगर आप पढ़ेंगे वेद, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज कॉल्ड संस्कारा. संस्कृत में इसे कहते संस्कारा. ये हिंदू विद्वानों ने, पंडितों ने इसका जिक्र किया, लेकिन इसका जिक्र वेद में कहीं नहीं आता है. वेद में कहा गया है पुनर्जन्म. पुनर्जन्म सुना आपने जी? बहन सुना है जी? हाँ. पुनर की मतलब फिर से वापस. पुनर का मतलब नेक्स्ट, वापस. ठीक है, मान गया. पुनर मतलब नेक्स्ट, अगला, वापस. जन्म मतलब लाइफ, जन्म मतलब जिंदगी, फिर से जिंदगी, वापस जिंदगी. इससे इस्लाम को कोई हर्ज नहीं. इस्लाम भी इसमें मानता है. इस्लाम में भी अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में कि अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी दी, फिर मौत दी, फिर से जिंदगी दी. अने इस्लाम में भी हम मानते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होगा, लेकिन एक बार, वो आखिरत में. तो पुनर्जन्म में इस्लाम में भी लिखा है, लेकिन संस्कारा ने, जो हिंदू विद्वान कहते जिंदगी फिर मौत, फिर जिंदगी फिर मौत, फिर जिंदगी और मौत, और अब सात बार लेंगे जन्म इंसान जैसा, इसका जिक्र वेद में कहीं भी नहीं है. मैं चैलेंज करता हूं, ये पंडितों का विचार थी, सोच थी, ये साबित करने के लिए कि कुछ बच्चे पैदा होते बीमार, कुछ पैदा होते अच्छी सेहत के साथ, कुछ बच्चे पैदा होते अपाहिज, कुछ अच्छी सेहत के साथ, कुछ अमीर कुछ गरीब. तो खुदा भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता. भगवान हमेशा जस्ट है. तो वो, उनको ये नहीं समझ में आता था बच्चा कैसा अपाहिज पैदा हुआ, बच्चा गरीब कैसा पैदा हुआ. तो उनने अपनी सोच से सोचने लगे कि भगवान तो गलती नहीं कर सकता, इसीलिए ये बच्चे ने पहले जन्म में गलती किया है इसलिए अभी अपाहिज पैदा हुआ, पहले जन्म में कुछ गलती किया इसलिए गरीब पैदा हुआ, पहले जन्म में अच्छा किया तो अमीर पैदा हुआ. ये उनकी सोच है, ये आपके वेद में नहीं लिखा है. इस्लाम में कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते कि बच्चे आपके लिए इम्तिहान है. तो बच्चे जब अपाहिज पैदा होते हैं तो ये नहीं कि वो जन्नत में नहीं जा सकते, हर बच्चा मासूम है. बच्चे वालदेन के लिए फितना है, इम्तिहान है. तो बच्चे अगर हो सकता है कि कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होकर बच्चा पैदा होता है, उसको दिल की बीमारी है. दिल की बीमारी होना मतलब ये नहीं कि बच्चा जन्म में जाएगा, लेकिन वालदेन के लिए एक फितना है, टेस्ट है कि बच्चे अगर बीमार पैदा होते हैं फिर भी वालदेन अल्लाह पे भरोसा करते हैं क्या नहीं. हो सकता है कि वालदेन नमाजी है, अल्लाह के अकामात पे अमल करते, अल्लाह ताला उनको अच्छा मयार देना चाहता है. मिसाल के तौर पे आप जब पास करते हैं ग्रेजुएशन, तो आप बीए पास कर दिए, बीए बन गए, लेकिन जब आप एमबीबीएस एग्जाम देते हैं आपके नाम के आगे लग जाता है डॉक्टर. बट एमबीबीएस एग्जाम पास करना बीए एग्जाम से बहुत कठिन है और डिफिकल्ट है और मुश्किल है, लेकिन जब मुश्किल टेस्ट पास करते हैं आपका रिवॉर्ड भी बड़ा है. तो अगर बच्चे अपाहिज पैदा होने के बाद फिर भी वालदेन अल्लाह पे भरोसा करते तो अल्लाह ताला हो सकता है उनको जन्नत फिरदौस देना चाहता है, जन्नत में भी लेवल है. तो ये टेस्ट कर रहा है अल्लाह, किसी को गरीब पैदा पड़ता है, किसी को अमीर पैदा करता है. अमीर या गरीब से आप जन्नत में नहीं जा सकते, बनिस्बत अमीर आदमी को जन्नत में जाना और मुश्किल है, क्योंकि उसका इम्तिहान और कठिन है, डिफिकल्ट है. क्योंकि अमीर को चैरिटी देने का होता है, गरीब को चैरिटी नहीं देने का. ज़कात के अंदर गरीब को फुल मार्क्स 100 out of 100. अमीर हो सकता है बोलेगा मैं नहीं दूंगा तो 0 मिला, हो सकता है वो आधा दे रहा है तो आधे मार्क्स मिलेंगे. गरीब को 100 out of 100,
हम कहते गरीब है, पुअर बॉय, गरीब कि और चांसेस है जन्नत में जाने के लिए, हम कहते रहे गरीब इंसान है, ये हमारी सोच है। अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है, अल्लाह ताला कहता है कि दौलत एक इम्तिहान है। तो ये हिंदू विद्वान इसे समझ नहीं सके तो संस्कारक है, मौत जिंदगी, मौत जिंदगी, मौत जिंदगी। लेकिन ये वेद में लिखे ला पुनर्जन्म, एक बार आप इस दुनिया में आएंगे, इसके बाद आपकी मौत आएंगी, फिर से उठाया जाएगा आखिरत के दिन पे, और उस दिन आपका हिसाब किताब होगा। फिर अल्लाह ताला आपका हिसाब किताब लेंगे कि जो अल्लाह ने इंसानों से फरमाया था कि एक खुदा में मानो, आपने खुदा में माना कि नहीं, बुद्ध पर सिमत करो आपने किया कि नहीं, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मानो आपने माना कि नहीं, आपने सलाह पढ़ी क्या नहीं, आपने चैरिटी दी क्या नहीं, आपने रोजा रखा क्या नहीं, तो ये अल्लाह ताला हिसाब किताब करने के बाद आपको ग्रेस मार्क भी दे सकते, उसके बाद फिर फैसला करेंगे कि आप इस इम्तिहान में सफल हुए क्या नहीं। सफल होंगे तो जाएंगे स्वर्ग में, जन्नत में, अगर सफलता नहीं पाएंगे तो आप नरक में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। तो ये आपके ऊपर अल्लाह ताला ने छोड़ा है कि अगर हिदायत देने के बाद, आपको सही चीज बताने के बाद, आप अल्लाह के अहकामात पे अमल करते हैं क्या नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहन, कि आप मानते कि खुदा एक है? जी बिल्कुल। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। तो आप इस्लाम कबूल करना चाहेंगे? सर एक्चुअली मैं बेसिक लेवल से स्टडी कर रही हूँ, मैं और बहुत कुछ जानना चाहती हूँ। बेसिक लेवल इस्लाम, इस्लाम इज जस्ट इनिशियल। आपको स्कूल में दाखिल होना चाहिए बस। जी एबीसीडी तो खलास, दाखिल दोगे आप, टेंथ पास करेंगे, पीएचडी करेंगे, हमने बोलेंगे पहले मैं पीएचडी सीखूंगी फिर मैं नर्सरी में जाऊंगी। नहीं नहीं। तो इस्लाम में दाखिल होने के लिए दो शरायत है। कौन सी दो शरायत? एक अल्लाह में मानो, बुत परस्ती मत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये दो चीज पे आप मानते अमल करते आप दाखिल हो जाते, फिर आप फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, दुआ करेंगे पीएचडी बने, डबल पीएचडी। बिल्कुल सर। लेकिन पहला दाखिला तो लेना चाहिए स्कूल के अंदर। मेरा बेटा बोलेगा मुझे डॉक्टर बनने का है, फिर मैं स्कूल में जाऊंगा, पहला स्कूल तो पास करो फिर डॉक्टर बनो। तो आप चाहेंगे कि स्कूल में दाखिल हो? जी बिल्कुल। आप चाहते इस्लाम कबूल करें? हाँ, बट कुछ वक्त लगेगा मुझे उसके लिए। नहीं, अमल करना अलग बात है। अमल अगर आप मुस्लिम बन गए तो नहीं कि 100% आपको, 100% तो मैं भी नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। सही बात है, हम लोग इंसान है ना। मैं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप तो माशाल्लाह, आप कह रहे कि आप शुरू किए, मुझे तो लगता है कि आप तो माशाल्लाह ग्रेजुएट हो गए। आपने कहा आप इंसान है, बिल्कुल सही, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। मैं नहीं कह सकता अरे मैं दावा कर सकता अरे मैं तो बहुत अच्छा मुस्लिम हूँ 100%, 100% तो मैं भी नहीं हूँ। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो भी थोड़ा बहुत मैं उसके राह में कर रहा हूँ उसे कबूल फरमाए। तो पहले दाखिला तो ले, हमें पता नहीं हम कितनी जिंदगी हमारी है। कल अगर का इंसान मर गया और दाखिला नहीं लिए तो फिर फेल। दाखिला ले लिए फिर मर गए, अरे आप टाइम देते तो इंशाल्लाह मैं पीएचडी करती थी। तो दाखिला लेना इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहेंगे मुसलमान बनना? जी। माशाल्लाह, अल्लाह आपको जजा खैर दे। आप मानते खुदा एक है? बिल्कुल। आप मानते कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। मैं भी जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ ना। नहीं तो हाँ, नुदा बोलेंगे जाकिर ने मजमे में मुझे फंसा दिया। माशाल्लाह, फंस रहे तो मालूम है मैंने फंसाया नहीं। आप जवाब भी सही दे रहे। आप अपने होशो आवास में इस्लाम कबूल करना चाहते? जी हाँ। आप पे कोई भी माली दबाव? मैं भी फैमिली का हो सकता है, मुझे उनको कन्विंस करना पड़ेगा। नहीं नहीं, इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी पैसे दे रहा है आपको? नहीं नहीं नहीं। कल पुलिस पूछ सकती है जाके? एक्चुअली मेरी उर्दू थोड़ी पुअर है ना। मेरी उर्दू भी पुअर है, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे और अच्छा समझ रही है। अगर आपकी उर्दू अच्छी होती थी तो शायद मुझे नहीं समझ पाती। ये अल्लाह की मदद है कि मेरी अच्छी उर्दू नहीं, आपकी अच्छी उर्दू नहीं, आप मुझे और बेहतर समझ सकते। मैं हिंदी उर्दू मिक्स बात करता हूँ। आपको कोई भी पैसे दे रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। हाँ, नहीं तो हो सकता है पुलिस कर पूछेंगी मैं जाकिर ने कितने पैसा दिया आपको। होता है कभी कभी कबूल करने के बाद जाकिर ने कितने डॉलर्स आपको दिए।
کیونکہ پیسے کے دباؤ سے کسی کو اسلام قبول کرانا غلط ہے اسلام میں اور اس دیش میں بھی غلط ہے. تو آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں جی. ماشاءاللہ تو میں انشاءاللہ دہراؤں گا عربی میں, آپ بھی اسے دہرائیے انشاءاللہ. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ ورسولہ ورسولہ. میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں اور بندے ہیں. ماشاء اللہ آپ کی انٹری ہو گئی, آپ کا داخلہ ہو گیا. شکریہ سر. وداؤٹ رشوت وداؤٹ ڈونیشن, آج کل اسکول میں وہ ڈونیشن لیتے. اور میں اللہ سبحانہ و تعالی سے انشاءاللہ دعا کروں گا کہ آپ کی جدوجہد کو قبول فرمائے اور آپ کو پی ایچ ڈی دے. پی ایچ ڈی مطلب گریجویشن مطلب جنت, پی ایچ ڈی مطلب جنت فردوس. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کو جنت فردوس دے اور میں دعا کروں گا آپ سے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے دعا کرے تاکہ مجھے بھی انٹری ملے جنت فردوس میں. سر ایکچولی آپ کو ڈھونڈتے ہوئے میں آپ کے جیسمین اپارٹمنٹ میں بھی گھس گئی تھی ایک بار. سر جیسمین اپارٹمنٹ میں گھس گئی تھی اور آپ کے گھر پہ جا کے آپ کی بیٹی سے بات کی تھی ذکرا سے. او ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام مایا ہے. مایا ہے ماشاء اللہ. میری بیٹی نے مجھ سے کہا نہیں ماشاء اللہ. تھینک یو سر. ان شاء اللہ جزاک اللہ شکر. آمین.